नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं परवीन। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं झज्जर ज़िले के बारे में। झज्जर ज़िले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आइए सीख लेते हैं। तो देखिए, झज्जर जिले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को की गई थी। झज्जू अथवा झोज गहलावत व्यक्ति के अनुरोध पर गोरी ने झज्जर शहर को बसाया था। सन 1959 में बना झज्जर का पुरातात्विक संग्रहालय हरियाणा के प्रमुख संग्रहालयों में से एक संग्रहालय है। झज्जर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बना भिंडावास कॉम्प्लेक्स पर्यटक स्थल के रूप में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो अब देख लेते हैं बेरी के बारे में। बेरी को एक बिरदो नाम के कानूनगों ने बसाया था। बेरी को धनाढ्य लोगों का शहर भी कहा जाता था। बेरी में दो भीषण लड़ाइयां लड़ी गई थी। प्रथम लड़ाई 1794 में जाटों और जॉर्ज थॉमस के मध्य लड़ी गई थी, तब जाकर उन्हें झज्जर की अमलदारी मिली थी। यह लड़ाई जॉर्ज ने जीती थी। दूसरी लड़ाई उसने सिखों और मराठों की संयुक्त सेना के विरुद्ध सन 1801 में लड़ी थी। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह ने बेरी के राजकीय हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं बहादुरगढ़ के बारे में। पहले यह सराफाबाद के नाम से जाना जाता था। सन 1757 में यह जागीर बहादुर खान पठान को दे दी गई थी। बहादुर खान ने यहाँ पर 40 साल तक शासन किया। सन 1865 में बहादुरगढ़ में लाला भगवान दास ने एक तालाब का निर्माण भी यहां पर करवाया था। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है जो झज्जर का मुख्यालय है वो झज्जर ही है, और जो उपमंडल पड़ते हैं वो है झज्जर, बेरी व बहादुरगढ़, और जो तहसील पड़ती हैं वो हैं झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल व बेरी, और जो उप तहसील पड़ती हैं वो है सहलावास, और जो खंड पड़ते हैं वो हैं झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल व सहलावास। तो चलिए अब हम देख लेते हैं झज्जर के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय। वर्ष 1959 में आचार्य भगवान देव उर्फ स्वामी ओमानंद सरस्वती ने झज्जर में पुरातात्विक महत्व के संग्रहालय का श्री गणेश किया। 427 ताम्रपात्रों पर खुदवाई करके लिखे गए स्वामी दयानंद रचित संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश इस संग्रहालय की एक अनूठी और दुर्लभ कृति है। गुरुकुल झज्जर की स्थापना 16 मई सन 1915 को महाशय विशंबरदास, स्वामी परमानंद और स्वामी ब्रह्मानंद के द्वारा की गई थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कांच की मस्जिद। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर स्थित ग्राम दुजाना में निर्मित यह प्राचीन मस्जिद है। आज से लगभग 200 साल पहले सैयद हाफिजुद्दीन नामक एक काजी ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार की मस्जिद थी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भिंडावास पक्षी विहार। भिंडावास पक्षी विहार झज्जर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहलगांव में स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से लगभग 250 से भी अधिक प्रकार के पक्षी आते हैं। तो ये भिंडावास पक्षी विहार भी झज्जर के अंदर ही स्थित है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं निचारा धाम बेरी। जिला झज्जर के कस्बा बेरी के पूर्वोत्तर में स्थित निचारा धाम का बड़ा ही महत्व है। इसे बाबा भगवान दास आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह निचारा धाम भी हमारे झज्जर में ही स्थित है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं डिग्घल गांव का शिवालय। यहाँ पर डिग्घल में प्राचीन शिवालय स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य साहूकार लाला धनीराम ने प्रारंभ करवाया था। एक ऊंची चोटी पर नागर शैली में बने शिवालय को बनाने के लिए ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग तथा सबसे ऊपर शिव भाग की कल्पना की गई थी। तो ये डिग्घल गांव का शिवालय भी झज्जर में ही स्थित है। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं बेरी का रुडमल मंदिर। बेरी में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। इनमें रुडमल मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के चारों ओर 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण 1892 में लाला रुडमल, सूरजभान और गिरधारी लाल नामक तीन भाइयों ने करवाया था। तो ये भी हमारे झज्जर के अंदर स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। यह महाभारत के काल का मंदिर है।
बेरी गांव में स्थापित इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से पर्यटक भी यहां पर आते हैं। तो इसकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहां पर इसका नाम भी लिखा हुआ है, भीमेश्वरी देवी मंदिर झज्जर। और यहाँ पे सामने आप यहाँ पे सीढ़ियाँ देख सकते हैं और इसका निर्माण कार्य अभी फिलहाल चल ही रहा है। तो ये है भीमेश्वरी देवी का मंदिर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है बुआ का गुंबद। झज्जर में स्थित इस गुंबद का निर्माण मुस्तफा कलोल की बेटी बुआ ने करवाया था। गुंबद के पास एक तालाब का निर्माण भी करवाया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गुंबद की फोटो, यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये है बुआ का गुंबद। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोरिया पर्यटक स्थल। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर बहादुरगढ़ में गोरिया पर्यटक स्थल स्थापित किया गया है। गोरिया देखिए एक चिड़िया होती है जो कि एक अपना घोंसला अलग प्रकार से ही बनाती है, तो उसी का पर्यटक स्थल यहां पर स्थापित किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रमुख उद्योग। झज्जर के कुछ प्रमुख उद्योग इस प्रकार से हैं, मशीन उपकरण, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, डीजल इंजन, ग्लास इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, सूर्या रोशनी लिमिटेड, पार्ले बिस्कुट लिमिटेड, श्री कृष्ण पेपर मिल्स एंड प्रोडक्ट लिमिटेड और स्टील पाइप स्ट्रिप्स लिमिटेड। ये हैं झज्जर के प्रमुख उद्योग। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है नेशनल हाईवे और प्रमुख नदियाँ। तो झज्जर के अंदर से जो नेशनल हाईवे हैं वो दो गुजरते हैं, एक तो नेशनल हाईवे 71 और दूसरा है नेशनल हाईवे 10। और जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं साहिब नदी और कृष्णावती नदी। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा से गुजरने वाले सभी नेशनल हाईवे और सभी नदियों के बारे में मैंने विस्तार से अपनी अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आई का निशान दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हरियाणा जी के कंटिन्यू सीखते रहने के लिए आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।